हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाइटल साइन, नॉर्मल वाइटल साइन फॉर एडल्ट। एडल्ट के जो नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, कितने क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम गाइस लिखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम तीन तरह से ना चेक करते हैं, ओरली, एक्सिलरी और रेक्टल। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और एक्सिला और रेक्टल। फिर उसके बाद हम बताएंगे पल्स रेट, हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है। उसके बाद रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है नॉर्मल एडल्ट के लिए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है एडल्ट के लिए। फिर उसके बाद सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो गाइस ओरल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट नॉर्मल एडल्ट के लिए, और एक्सिला से 97.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और रेक्टल से होता है 99.6 डिग्री फारेनहाइट। और अगर हम इसको सेल्सियस में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पल्स रेट होती है 72 to 100 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल होती है एक एडल्ट के लिए। और एक्सपायरी रेट होती है गाइस 16 से 22, इसको हम कहीं कहीं 12 से 16 भी लिखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रेट है 16 से 22 मानी जाती है। और बीपी होता है 120/80 mmHg, ये एक नॉर्मल एडल्ट पेशेंट के लिए होता है। और हमारा SpO2 जो होता है गाइस होता है 95% से 100% तक ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। तो अब गाइस मैं आपको बताऊंगा रूटीन में वाइटल चेकअप हम कैसे करते हैं। मान लो वार्ड में कोई पेशेंट है, हमें उसके वाइटल चेक करने हैं, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम रूटीन वाइटल चेकअप वार्ड में कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है गाइस। फिर देखते हैं पल्स रेट, फिर देखते हैं उसका रेस्पिरेशन रेट, फिर चेक करते हैं हम उसका ब्लड प्रेशर। तो ये तो रूटीन वाइटल चेकअप हो गया। अब मान लो गाइस इमरजेंसी में भी एक वाइटल चेकअप हम करते हैं। मान लो इमरजेंसी में कोई हमारे पास पेशेंट आया तो हम उसके लिए वाइटल्स क्या कैसे चेक करेंगे। इमरजेंसी में हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं, तो इमरजेंसी वाइटल चेकअप के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये इमरजेंसी वाइटल चेकअप, सबसे पहले हम देखते हैं पल्स रेट, उसके बाद देखते हैं हम रेस्पिरेशन रेट, फिर उसके बाद देखते हैं हम ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद देखते हैं हम टेम्परेचर। क्योंकि गाइस अगर इमरजेंसी में पेशेंट आया तो सबसे पहले हम उसकी पल्स ही चेक करेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।